हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण निषाद। आज इस वीडियो हम बिल ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है डिसऑनर। डिसऑनर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये एंट्री समझ में नहीं आ रहा है, कब इसमें क्या करना है, कब नोटिंग चार्जेस का क्या करना है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियोज़ देखो, आपका डिसऑनर का जो भी डाउट रहेगा, चाहे वो ड्रॉवर का रहे चाहे ड्रॉवी का रहे, आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से ये वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना, और जैसे ही ये वीडियोस ख़त्म होता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे एटलीस्ट 4 से 5 सम, आप जो भी आप बिल ऑफ एक्सचेंज के सम चाहते हैं, जो भी आपको पसंद रहे सम, उसमें डिसऑनर के बारे में अगर है तो वो सम को ट्राई करो, और ये वीडियोस में जो भी मैंने बताया अप्लाई करो, आपका डिसऑनर का एंट्री कोई भी रॉन्ग नहीं जाएगा। आप सॉल्यूशन वाले सम से कंपेयर करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिसऑनर का। तो सबसे पहले होता है डिसऑनर का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, डिसऑनर का मतलब होता है टाइम पे पैसा नहीं मिल पाना। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि कोई बंदा किसी को सामान बेचता है उधारी पे, और वो एक बिल बनाता है, कौन, जो बेचा है, और जो बंदे ने खरीदा वो साइन करके बिल वापस दे देता है, इस कंडीशन के साथ कि मैं 1 महीने 2 महीने या 3 महीने का जो भी पीरियड तय रहता है उसमें वो पैसा रिटर्न करेगा। लेकिन जब पैसा रिटर्न नहीं करता है बंदा, उस केस को बोला जाता है डिसऑनर। तो सबसे पहला चीज़ है, ये एंट्री को आप अपने जो क्वेश्चन उसमें कैसे पहचानोगे, कौन से वर्ड हैं जो इस एंट्री को इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है डिसऑनर। दूसरा वर्ड है, अगर आपको ऐसा बोलेगा कि बंदा रिन्यू कर रहा है, तो रिन्यू कब करेगा, मतलब देखो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, ठीक है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, ऐसा आपने सुना रहेगा। रिन्यू मतलब वही होता है कि पुराना बिल रिन्यू कर दो, पैसा नहीं दे पा रहा है, पैसा नहीं दे पा रहा है वो बाद में देगा, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो यहाँ तक हमने बात किया कि डिसऑनर क्या होता है, कैसे पहचानोगे, कौन से वर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्री क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डिसऑनर का एंट्री फिक्स है, इन केस ऑफ ड्रॉवर में एक एंट्री फिक्स है, जैसे आपका डिसऑनर हुआ ना तो ड्रॉवी को डेबिट कर देने का। तो क्रेडिट क्या रहेगा, तो बिल के साथ ट्रीटमेंट क्या हुआ है, ट्रीटमेंट मतलब क्या, क्या बिल आपके पास है, अगर बिल आपके पास है तो आपको यहाँ पे बिल्स रिसीवल क्रेडिट करना है, ध्यान से। हाँ, अगर सब में ऐसा है कि बिल को आपने एंडोर्स किया, तो जिसको एंडोर्स किया उसका नाम लिखने का, अगर सब में ऐसा है कि बिल को आपने डिस्काउंट किया है तो यहाँ पर बैंक लिखने का, क्योंकि बैंक में ही तो डिस्काउंट करते हो। अगर सब में ऐसा लिखा हुआ है कि बिल को आपने कलेक्शन के लिए भेजा है, तो आपको यहाँ पे कलेक्शन को क्रेडिट करना है, समझ में आया आपको। तो ये जो एंट्री मैंने पास की है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल, ये कौन सा ट्रीटमेंट है, बिल किसके पास है, जिसने सामान बेचा है। अभी बिल अगर किसी और बंदे के पास, एंडोर्स के पास, तो एंट्री क्या बनेगी, आपका डेबिट सेम रहेगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, बिल किसको भेजा आपने, एंडोर्स किया है, तो यहाँ पे एंडोसी का नाम रहेगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने अमर को एंडोस किया है, तो यहाँ पे आएगा टू अमर अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए आपने कलेक्शन के लिए भेजा है, तो यहाँ पे ड्रॉवी आपका सेम रहेगा, ड्रॉवी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, और यहाँ पे आएगा क्या, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आपको समझ गया रहेगा कि डिसऑनर का एंट्री इन केस ऑफ ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की ये सब एंट्रियां बनती है। अब बात करते हैं नोटिंग चार्जेस कि नोटिंग चार्जेस आया तो क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक केस को छोड़ के, सिर्फ ये एक केस को छोड़ करके, नोटिंग चार्जेस आपको मेन बिल अमाउंट में ऐड कर देना। जैसे मान लीजिए 8000 का बिल है, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस है, तो यहाँ पे 8100 हो जाएगा, 8100 डेबिट, 8100 क्रेडिट। ये केस में भी सेम, 8100 डेबिट में रहेगा, 8100 क्रेडिट में रहेगा। तो अगर बिल आपके पास है, वो केस को छोड़ के किसी और केस को अगर डिसऑनर एंट्री आप पास कर रहे हो और उसमें नोटिंग चार्जेस दिया है, तो आपको क्या करना है, मेन बिल अमाउंट में नोटिंग चार्जेस को ऐड कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर बिल आपके पास था तो क्या करना है, तो कुछ खास नहीं करना है, ध्यान से देखना। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने कहा ये किसका बुक होता है, ड्रॉवर का होता है, तो भाई अगर बिल उसके पास है तो पैसा तो वही देगा ना, तो जो पैसा जाएगा उसके लिए वो सेपरेट एक वर्ड ऐड करेगा, क्या, टू कैश अकाउंट। मतलब मान लीजिए 8000 का बिल था और 100 रुपये नोटिंग चार्जेस हैं, तो आपको
यहाँ पे 8100 दिखाना है, बिल में आपका 8000 जाएगा और 100 आपका नोटिंग चार्जेस आएगा, ठीक है। बाकी सारे केसेस में आप नोटिंग चार्जेस ऐड करोगे, बस वो केस में नहीं ऐड करोगे जिस केस में बिल आपके पास है। तो ये था हमारा डिसऑनर का एंट्री। डिसऑनर क्या होता है, कैसे पहचानोगे, नोटिंग चार्जेस का क्या करना था, हमने सारा डिस्कशन किया। किसके बारे में, ड्रॉवर के बारे में। अगर यही एंट्री ड्रॉवी का रहता, इन केस ऑफ ड्रॉवी बोलता डिसऑनर का एंट्री, बताओ क्या होता है। सो देखो क्या करने का उसके लिए। अब उल्टा भाई, ड्रॉवर के केस में ड्रॉवी डेबिट, तो ड्रॉवी के केस में क्या होगा, जो ड्रॉवर है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, उसका फिक्स एंट्री है। ये मैं बात कर रहा हूँ किसका, ड्रॉवी का। अगर ड्रॉवी के बुक में डिसऑनर का एंट्री आया तो क्या होगा, तो इसका एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या, ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है, ये होगा एंट्री, क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, किसका, डिसऑनर का एंट्री इन केस ऑफ ड्रॉवी। नोटिंग चार्जेस आया तो क्या कर रहा है, तो भाई नोटिंग चार्जेस अगर आता है ड्रॉवी के केस में, मतलब उस क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस अगर दिया है और एंट्री अगर ड्रॉवी के बुक में मारनी है, तो भाई नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस होता है, उसको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 8000 का अगर बिल था तो 8000 बिल में लिख दो, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, टोटल हो गया 8100, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो एंट्री आएगी बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, अगर नॉर्मल नहीं है, नोटिंग चार्जेस है, तो नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये था हमारे वीडियो का कंटेंट, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझा रहेगा।